Hello everyone, today in this video we are going to study about pollen allergy, pollen products and pollen viability. Already in the last video we studied about how pre-pollination development takes place inside the pollen grain, right? और हमें यह भी पता है कि pollen grain के through क्या होने वाला है, pollination process will be carried out. तो ये pollen grain जो है सिर्फ वो pollination process में नहीं help होता है, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे products होते हैं जो हमारे लिए useful होते हैं. फिर हमें ये टॉपिक में ये भी पढ़ना है कि पोलन ग्रेन जो है काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को उससे एलर्जीज हो सकती है. फिर हमें ये भी देखना है कि पोलन ग्रेन का वायबिलिटी, मतलब कि वो कितने टाइम पीरियड तक वो फंक्शनल रह सकता है, राइट. सो ये वीडियो में हम यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. तो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विथ वॉट पोलन एलर्जी. तो पोलन ग्रेन्स जो है बहुत सारे प्लांट्स के, मतलब सम ऑफ द प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स है, इट इज़ गोइंग टू कॉज वॉट सीवियर एलर्जीज. मतलब कि देखो, पोलन ग्रेन्स को विंड के थ्रू भी, वो तो हल्का फुल्का होता है तो विंड के थ्रू भी उड़ सकता है, राइट. वो विंड के थ्रू हवा में उड़ जाएगा. तो व्हेनेवर द पर्सन हु इज़ यू नो एलर्जिक वाले जो पर्सन होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जब वो गार्डन में यहाँ वहाँ से अगर पास हो रहे हो, अगर ये पोलन ग्रेन के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो क्या होगा, द पर्सन के पर्सन में वो एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी, राइट. और वो एलर्जी कौन सी होती है, जब ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, मतलब कि जब अपना जो बिकॉज विंड के थ्रू अगर वो स्प्रेड हो सकता है, अगर कॉन्टैक्ट में आएगा तो, बट ऑब्वियस इट विल पास टू वॉट रेस्पिरेटरी ट्रैक फर्स्ट, राइट. तो वो एलर्जी जो है वो भी किसको, किस किधर होने वाली, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक. तो ब्रोंकियल वाला जो पार्ट है अपना, उधर वो स्वेलिंग स्टार्ट कर देगा या फिर म्यूकस डैम होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. और जिसके वजह से हमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने के भी चांसेस है. क्रॉनिक मतलब जो वर्स्ट कंडीशन ऑफ रेस्पिरेटरी भी हो सकती है. कौन कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स है, तो सी, एक तो है अस्थमा, राइट. अस्थमा में क्या होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. क्यों सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अपना जो ब्रोंकियल्स के जो लाइनिंग है, एल्वियोलाई की जो लाइनिंग्स है, ट्रैकिया की जो लाइनिंग्स है, वो क्या हो जाएगी, स्वोलन अप हो जाएगी, म्यूकस जैम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा, कंजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, वी कैन नॉट ब्रीद नॉर्मली, हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी. सो वी स्टार्ट ब्रीदिंग फास्ट, राइट. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये छोटी सी बच्ची कैसे पंप ले रही है ताकि उसका ब्रीदिंग नॉर्मल हो पाए. अभी नेक्स्ट क्या है, ब्रोंकाइटिस. आईटीस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन. इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारी चीज़ें हो जाती है. कहाँ पे, ब्रोंक्योल्स में. अब देखो, अगर नॉर्मल ब्रोंक्योल ट्यूब अगर देखोगे तो उसका एल्वियोलाई भी नॉर्मल है, राइट. ये जो ट्यूब है उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो इट इज़ क्लियर, राइट. उसमें कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई म्यूकस नहीं भरा हुआ है. लेकिन वही अगर तुम इन्फ्लेटेड ब्रोंकियल ट्यूब देखोगे या फिर अस्थमिक पेशेंट के बारे में, तो उनका जो ब्रोंकाइट, ब्रोंकियोल्स जो है वो स्वेल भी हो गया है, प्लस उसमें क्या जमा हो गया है, म्यूकस, राइट. और एल्वियोलाई भी क्या हो गया है, स्ट्रेच. ये क्यों ऐसा हो गया है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, वो भी फूलने की वजह से क्या हो रहा है, फूल नहीं पा रहा है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा हो गया है, फाइन. राइनाइटिस. आइटिस का मतलब जैसे मैंने तुम्हें बताया इन्फ्लामेशन, और राइन मतलब अपना नोज. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि विंड के थ्रू आएगा, तो बट ऑब्वियस पहले जाएगा कहाँ से, फ्रॉम दी नोज, राइट. तो नोज में भी साइनसिस है, या फिर उनके जो नोज के जो जो नर्व्स है वो सब क्या हो जाएंगे, स्वोलन अप हो जाएंगे, राइट. और नोज में अगर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि वो ईयर और थ्रोट से भी कनेक्टेड होता है, तो बट ऑब्वियस नोज तो इन्फ्लेमेशन से रेड तो हो ही जाएगा, प्लस कंटिन्यूस रनिंग नोज स्टार्ट हो जाएगा, म्यूकस आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ईयर और थ्रोट में भी बहुत ज़्यादा ईचिंग एंड पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इरीटेट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट. सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वॉट पोलन एलर्जी. एंड ये सारे प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स के थ्रू नहीं होता है, थोड़े बहुत ही ऐसे प्लांट्स हैं जिसके पोलन ग्रेन्स के थ्रू एलर्जी हो सकती है. सो लेट अस सी वन ऑफ दी प्लांट थ्रू विच पोलन एलर्जी कैन बी कॉज्ड, राइट. तो ऐसा एक प्लांट है कैरेट ग्रास, राइट. अभी कैरेट ग्रास का जो साइंटिफिक नेम क्या है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, राइट. अब ये कैरेट ग्रास जो है वो इंडिया में बाहर से जब हमने वीट को इंपोर्ट किया, तब उसके साथ ये गलती से आ गया. जो अभी वीट को इंपोर्ट किया है तो अलग अलग
इंडिया के अलग अलग रीजन्स में या पार्ट्स में हम भेजेंगे, तो उसके साथ साथ ये कैरेट ग्रास भी गया, तो ऐसे ये कैरेट ग्रास जो स्प्रे ऑल ओवर इंडिया के पार्ट्स में पहुंच गया। अब ये कैरेट ग्रास के जो पोलन ग्रेन्स जो है दे वर कॉजिंग वॉट एलर्जीज, तो पोलन एलर्जी जो है इंडिया में ये कैरेट ग्रास के थ्रू पहुंचा। तो ये जो प्लांट है ये कैरेट ग्रास का प्लांट है और ये उसके पोलन ग्रेन्स हैं जिसके थ्रू पोलन एलर्जी होती थी। अभी ये वाला जो पिक्चर है उसमें क्या दिख रहा है कि वीट ग्रो हो रहा है, वीट में बीच में ये पोलन एलर्जी वाला प्लांट कैरेट ग्रास भी ग्रो हुआ है, राइट। सो ये तो सिर्फ एक प्लांट के बारे में है, लेकिन ऐसे बहुत सारे दूसरे प्लांट भी है जिसके पोलन ग्रेन्स के थ्रू पोलन एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट इज व्हाट पोलन प्रोडक्ट। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन के लिए काम नहीं आएगा, उसके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूजफुल है फॉर ह्यूमंस, राइट। तो देखो क्यों, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जो है इट इज़ रिच इन व्हाट न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन इज व्हाट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्यों देखो, देख जब हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन जो जब मेल गैमेटोफाइट बनाता है या जब पोलन ग्रेन जब मेल गैमेटोफाइट बनाने की कोशिश करता है, तब हमने देखा था कि वो दो सेल में डिवाइड होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल में ऑलरेडी देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, राइट। इतना सारा ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट है मतलब कि इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो लोग ना क्या करते हैं, पोलन की टेबलेट्स लेते हैं, पोलन की टेबलेट्स इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फूड सप्लीमेंट्स। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो मोस्टली पीपल पोलन प्रोडक्ट्स को टेबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में लेते ही है, ताकि अपने बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली कैरी ऑन हो सके, राइट। और पोलन कंजम्पशन से ये भी पता चला है कि एथलेट्स हो या रेस हॉर्सेस हो तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो ऐसे बोला गया है पोलन को और भी क्रीम्स एंड ये सब में भी यूज़ किया जाता है, बी पोलन भी होता है, लेकिन तुम्हें दिया नहीं है, इतना ही मेंशन है, सो रिमेंबर इट फ्रेंड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट पोलन प्रोडक्ट। अब द लास्ट एंड लीस्ट दैट वी नीड टू स्टडीज अबाउट पोलन वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन फंक्शनल। अभी देखो जैसे ही एंथर में से पोलन ग्रेन्स जैसे ही बाहर आएंगे तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि उतने टाइम पीरियड में ही वो एक्टिवली फंक्शन कर पाएगा, उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो वो जो टाइम पीरियड है जब तक वो फंक्शनल रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोलन वायबिलिटी, राइट। और ये जो वायबिलिटी का जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड जीन पोटेंशियलिटी, राइट। अभी देखो पोलन ग्रेन्स ऑफ सीरियल्स जैसे कि वीट है, राइस है, उनका जो वायबिलिटी का पीरियड है कितना है, सिर्फ 30 मिनट्स। अभी 30 मिनट्स में वो ये तो नहीं सोच सकता ना कि विंड आके उसके पोलन ग्रेन को लेके जाएगा या कोई इंसेक्ट्स आके उनके पोलन ग्रेन्स को लेके जाएगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, इट विल कैरी आउट वॉट सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब वो क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में सोचेगा भी नहीं, डायरेक्टली वो क्या कर लेगा, सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि आगे उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू हो पाए। अभी पोलन ग्रेन्स जैसे कि फैमिली ऑफ रोजेशिए, फेबेशिए, सोलनेशिए है, उनका जो पोलन ग्रेन का वायबिलिटी कितना है, फॉर सेवरल मंथ्स, मतलब सेवरल मंथ्स तक भी वो पोलन ग्रेन फंक्शनल रह सकता है। रोजेशिए मतलब कि रोज वाले फैमिली, फेबेशिए लेग्यूमिनेस मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स, सोलनेशिए मतलब पोटैटो वाले प्लांट्स, राइट। तो उनके पोलन ग्रेन्स का वायबिलिटी कितना है, फॉर सेवरल मंथ्स, राइट। अभी ये पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व इट, राइट। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन ऑन इट हम क्या कर सकते हैं, उसे हम एज अ फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वैसे ही टू कैरी आउट दी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम क्या करते हैं, ये पोलन ग्रेन्स को हम प्रिजर्व कर लेते हैं। तो हम कैसे प्रिजर्व करेंगे उसे, तो वी विल प्रिजर्व इट इन अ क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम एकदम लो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं और उस टेम्परेचर पे हम उसे प्रिजर्व करेंगे। और वो कौन सा टेम्परेचर होता है, एट -196°C। अभी 196°C किसका होता है, जो लिक्विड नाइट्रोजन का जो -196°C होता है उसमें हम जब प्रिजर्व करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये इसमें ही स्पेशली हम क्यों प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि इसमें
जो अपना नॉर्मल सेल का जो कंटेंट है वो क्रिस्टल फॉर्म नहीं करता है, वो वैसे के वैसा इंटैक्ट रहेगा और उसी फॉर्म में वो फ्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर जब तुम उसे बाहर निकालोगे तो क्रिस्टल फॉर्म होके सेल का अंदर का कंटेंट डैमेज नहीं होता है, वो नॉर्मल ही रहेगा, जैसा था वैसा और एक्टिव ही रहेगा, वो इनएक्टिव नहीं हो जाता है। तो जैसे अपने ब्लड बैंक्स होते हैं वैसे ही ये पोलन बैंक भी होते हैं, वैसे सीड बैंक भी होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कैरी आउट करते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोसेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट, पोलन वायबिलिटी। एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये जो लैब असिस्टेंट जो है वो क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करने के लिए स्टैक में अंदर ये पोलन ग्रेन डाल रहे हैं। अब इसमें वो रख देगा, दैट इज नथिंग बट और लिक्विड नाइट्रोजन में वो डाल रहे हैं। जो धुआं जो निकल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ वॉट, लिक्विड नाइट्रोजन जो कितने टेम्परेचर पे है, -196 डिग्री सेल्सियस पे। यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट, पोलन एलर्जी, पोलन प्रोडक्ट्स एंड पोलन वायबिलिटी। सो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमने मेल गैमेटोफाइट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इट विल बी अबाउट वॉट, फीमेल गैमेटोफाइट। सो सी यू विद फीमेल गैमेटोफाइट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।